लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन पॉइंट, ये सब प्रॉपर्टीज, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी वाली, ये सब एटोमाइजेशन, ये सब प्रॉपर्टीज आती थी। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी दूसरी भी प्रॉपर्टीज अवेलेबल थी, ओके। तो ऐसी इस प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया है, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी वो मैं यहाँ लिखता हूँ, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, फिर इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, ये हमें पढ़ना अभी बाकी है, ओके। आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये फोर, ये फाइव, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ओके डियर स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारा एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस के बारे में हमने डिस्कस की थी। अब थर्ड प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में भी, और फोर्थ, इससे पहले हमने फोर्थ के बारे में डिस्कस की थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, ओके। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है हमने बताया था आपको, शायद फिर से एक बार रिवाइज करवा लेते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है। इससे पहले ये आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस हमने बताया था, ओके, यानी कि उसमें आयोनिक रेडियस में हमने बताया था, उसमें हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीचेस वाला आया था, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीचेस वाला, ओके। तो वो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीचेस, ओके। उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, ओके, ये बार बार पूछा जाता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस की थी, ओके। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीचेस में क्या हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीचीज में, यानी कि जो भी हमारे पास न्यूट्रल न्यूट्रल एलिमेंट्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल, उसमें जो जो भी एलिमेंट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन के सेम नंबर आते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रॉन के नंबर, यानी कि अगर सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन वाला एग्जाम्पल लिया था, तो सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीचीज बोल जाते हैं, ओके। तो उसका एग्जाम्पल मैंने लिया था यहाँ पे O2-, ओके, फिर F-, Al-, फिर Na+, ओके, इसके बाद Mg2+, इतने सारे एग्जाम्पल लिए, ओके। अब देखो इलेक्ट्रॉन के सेम नंबर, अगर मैं इसकी बात करूं O2 माइनस, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन O2 माइनस में 8 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, क्योंकि ये 2 माइनस यानी कि उसमें दो इलेक्ट्रॉन किसी के पास से लिए है, और वो क्या बन जाता है यहाँ पे एन आयन, अगर दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता तो वो कैटायन बन जाता। एफ माइनस यानी कि फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन होती है, ओके, 9 प्रोटॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पे देखो F- में
9 प्रोटॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो जाता है क्योंकि F माइनस है। ओके, उसके बाद Al प्लस 3 या 3 प्लस में हमारे पास 13 प्रोटॉन, यानी कि Al में, पहले Al की बात करते हैं, 13 प्रोटॉन एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, लेकिन Al प्लस 3 में, 3 प्लस में 13 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सोडियम, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन Na प्लस के पास 11 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद Mg2 प्लस, यानी कि Mg में मैग्नीशियम के पास यहाँ पे 12 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, उसमें से Mg2 प्लस के पास 12 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे देखो इस तरह, इन सबके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, टोटल के नंबर डिफरेंट है लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है। इन सबको, इनको सबको O2 माइनस, F माइनस, Al3 प्लस, Na प्लस एंड Mg2 प्लस, सबको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोला जाता है। डेफिनेशन, जो भी नेचुरल गैस वाले एलिमेंट्स है या फिर नेचुरल एलिमेंट्स है उसमें से जिनके पास इलेक्ट्रॉन के सेम नंबर है, वो 10 हो या 11 हो, 13, 14, कुछ भी, उन सबको हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। अगर इसके हिसाब से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेने जाऊं तो क्रोमियम प्लस, ओके, यानी क्रोमियम प्लस, यानी उसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। ओके, फिर स्कैंडियम N21 होता है 2 प्लस, इनेडियम, फिर Mn2 प्लस। अब देखो क्रोमियम यानी कि 24, लेकिन प्लस 1 यानी कि उसके पास 23 इलेक्ट्रॉन होंगे। स्कैंडियम यानी कि 21, ओके, स्कैंडियम यानी यहाँ पे माइनस 2 कर देते हो, यहाँ पे 2 माइनस 21, दो इलेक्ट्रॉन किसी के पास से लिए है, तब उसमें 2 डाल दे, 3 आएगा ना, स्कैंडियम 21 है। ओके, तो ये 21 होगा, लेकिन 3 किसी के पास से लिए है, उस वजह से 20 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे ना। ओके, कोई बात नहीं। ओके, वो बाद में समझाता हूँ। वेनेडियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, यानी 23 किसी को दिया नहीं, किसी को दिया नहीं। Mn2 प्लस, Mn 25, Mn 2 प्लस, या 2 किसी को दे दिया, 23 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसमें से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन है, जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉन है उसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। इसका मतलब ये Cr प्लस, वेनेडियम एंड Mn2 प्लस, ये तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आते हैं। अगर आपको ऐसा बोला जाए ये चारों में से हमारे पास जो नीचे दिए हुए हैं वो सब चारों में से कौन हमारे पास कौन सा जो ऐसा आयन है वो हमारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आता नहीं, सबसे डिफरेंट कौन है ऐसा बोला जाए तो हम क्या करेंगे, तो ये वाला है हमारा सबसे अलग है। ओके डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया, तो ये इसे हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इन तीनों को, इनको इनको इनको, इनको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में नहीं आता। ओके, उसके बाद अब हमें क्या करना है ये तो पता चल गया। अब देखो ये ऑलवेज याद रखो, आपको पता चला मैंने प्रोटॉन, प्रोटॉन का क्यों लिखा। अब देखो मैं बात करता हूं यहां पे Na प्लस की, किसकी, Na प्लस की,
ये हमारा बैलेंस सेल है, यानी कि सेल। ओके, यहां पर फर्स्ट वाले सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां पे बीच में सेंटर में 11 प्रोटॉन, क्योंकि हमारे पास कौन है, ये Na+ है। ओके, Na+ यानी कि उसमें Na+, तो उसमें Na यानी कि 11 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अच्छे से समझिए, अच्छे से। अब यहां पे देखो, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, पर 11 वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे होता है, उसको तो हमने एनर्जी देके निकाल दिया, एनर्जी देके निकाल दिया, उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ये यहां तक हो गया। अब देखो इसके पास कितने प्रोटॉन है, 11, इलेक्ट्रॉन 10। इसका मतलब कि हमारे पास 11 प्रोटॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अट्रैक्शन, इससे पहले हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11। 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर 11 प्रोटॉन के साथ 11 इलेक्ट्रॉन था, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब अट्रैक्शन कम हुआ ना, अट्रैक्शन कम हुआ। देखो यहाँ पे इसके साथ इसके साथ इसके साथ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे भी। अब क्या हुआ, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, इसका मतलब ये अट्रैक्शन वाले ये प्रोटॉन था वो फ्री हो गया, वो फ्री हुआ, वो इन सबको थोड़ी थोड़ी हेल्प करेगा, यानी कि अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी कि हमारी एटम की साइज कम होगी, साइज कम होगी तो आयोनिक रेडियस और एटमिक रेडियस कम होगा। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया कि कैसे ये कम होता है। ओके डियर स्टूडेंट, आपको एग्जांपल देता हूं दूसरा, चलो इसको मैं निकाल लेता हूं पहले। अच्छा वाला एग्जांपल की बात करते हैं, चलो लिखो मेरे साथ साथ। हमारे पास के प्लस, ओके, सी ए टू प्लस, सी एन माइनस, एस टू माइनस, इनमें से एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस, चलो आयोनिक रेडियस की बात करते हैं। इन चारों में से आयोनिक रेडियस को किसका ज्यादा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, इन चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। हमारे जीवित के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे, तो जीवित के, तो याद रखे हमारे पास क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, ऐसे ही आपको फोर एलिमेंट्स दिए होंगे या फिर आयन दिए होंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। पहले आपको पता होना चाहिए इसमें पहले किसका आयोनिक रेडियस किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, पहले उससे उल्टा पूछा जा सकता है। उल्टा क्या पूछेगा आपको, जीनिट वाले आपको पूछेंगे इनमें से साइज किसकी बड़ी होगी, इन चारों में से साइज किसकी बड़ी होगी, उस साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो आप कैसे लिखोगे, ओके, तो पहले तो मैं पोटेशियम में कितने प्रोटॉन है, ओके, इसको निकाल देता हूं अच्छे से लिख पाएंगे, थोड़ी स्पेस चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, चलो पोटेशियम, यानी कि हमारे पास 19 प्रोटॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा ना, इसको दे दिया, इसको मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स। सी ए टू प्लस यानी कैल्शियम 20 प्रोटॉन्स एंड
18 इलेक्ट्रॉन, जिसने दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ओके। क्लोरीन यानी कि हमारे पास हो गया 17 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन 18। इसके बाद सल्फर वाला है यानी कि 16 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। देखो इसमें हमें क्या करना है, पहले इसको अच्छे से समझो कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और कितने जाएंगे, पहले ये समझ लो अपनी तरफ से। फिर मैं इसमें देखिए यहाँ पे आपको ये के प्लस, अगर मैं इसका यहाँ पे वैलेंस शेल वाला ड्रॉ करने जाऊं, ये फर्स्ट शेल, सेकंड, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन कितने होंगे के प्लस के लिए 19, ओके। उसके पास इलेक्ट्रॉन तो सबके पास सेम है, इलेक्ट्रॉन सबके पास कितने हैं, यहाँ पे सब में इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अलग अलग, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 8 8 18, उसके बाद 1, ओके। सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन ही है ना, 19 नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबके पास सेम है, प्रोटॉन किसके पास ज्यादा है, तो प्रोटॉन इसमें से प्रोटॉन किसके पास ज्यादा है, ये 20 प्रोटॉन्स। इसका मतलब कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा होगा ना, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है इसका मतलब प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट करने में ज्यादा विजिबल है उसमें, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है 20, उसके कंपेयर में इसके पास 19 प्रोटॉन है, वो थोड़ा सा अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि प्रोटॉन बहुत कम है ना उसके पास, जो हमारे पास मैंने डिस्कस की थी उसके पास जो हमारे पास सेना है उसमें इसके पास 19 है, इसके पास 20 प्रोटॉन है, इसके पास 17 है, इसके पास 16 है, यानी कि इसका अट्रैक्शन कम होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा। जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, यहाँ से जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन नियर में आएगा, वो नियर में जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही इसकी साइज कम होगी, ओके। यानी कि अट्रैक्शन जिसका ज्यादा होगा इसका, तो इसकी साइज कम होगी, यानी कि सबसे Ca2+ की Ca2+ की सबसे कम साइज होगी। उसके बाद प्रोटॉन किसका ज्यादा है, K+ की, इसकी साइज थोड़ी इससे ज्यादा होगी। इसके बाद प्रोटॉन 17 Cl-, उसके बाद सल्फर H2-, ये रहा हमारा ऑर्डर। अब देखो हमें तो साइज के बारे में पता चला, अगर हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया कि इसकी ज्यादा है एटॉमिक, जिससे साइज कम होगी वैसे एटॉमिक रेडियस भी कम होगा ना, जिसकी साइज स्मॉल होगी उसका एटॉमिक, हमारे पास साइज जिसकी कम होगी उसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक हमारा वेट वाला होगा, एटॉमिक नंबर वाला होगा एटॉमिक रेडियस, उसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम। देखिए क्या साइज जिसकी बड़ी यानी इसकी, तो उसका साइज जितनी बड़ी होगी उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर वाला और एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक और आयनिक रेडियस वो सबसे ज्यादा होगा, ओके। आयनिक रेडियस यानी इसका आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा, उसके बाद हमारे पास क्लोरीन का, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद कैल्शियम का, क्योंकि जितना अट्रैक्शन ज्यादा उतनी इसकी साइज कम, उतनी ही उसका एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस कम। इसकी साइज बड़ी यानी कि सल्फर की बात करूं तो सल्फर के पास यहाँ पे सेंटर में प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पे लिखता हूँ सल्फर के पास, चलो सल्फर की बात करते हैं, सल्फर के पास H2- के पास, इसके पास यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास सल्फर, 16 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 18, तो उसका अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि उसके पास हमारे पास सेमियम में 16 ही है, हमारे पास यहाँ पे जो अवेलेबल बॉडीगार्ड्स है वो कितने हैं 16 और ये 18 से अट्रैक्शन कम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर ज्यादा घूमेंगे, इसकी साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो इसको मेजर करने जाएंगे तो वो बड़ा ही बड़ी होगी ना, इसका मतलब ये हमारे पास आयोनिक रेडियस बड़ा ही होगा, ओके। पता चला जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है
और इलेक्ट्रॉन कम है वो उससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर रहेंगे, जिससे डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आयोनिक रेडियस भी ज्यादा होगा। ओके डियर स्टूडेंट, ये समझ में आ गया। उसके बाद स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट को आपको पता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहाँ पे जितने प्रोटॉन है यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन है उन दोनों का अट्रैक्शन, ये फर्स्ट वाला यहाँ पे प्रोटॉन सेंटर में होता है, यहाँ पे वैलेंस सेल में लास्ट वाले वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। उन अट्रैक्शन के बीच में ये जो सेल आता है, ये फर्स्ट और सेकंड सेल, वो सेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन उस अट्रैक्शन के बीच में दीवार जैसे आ जाते हैं, यानी कि हमारे पास जो एरिया है उसके बीच में आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, इन दोनों का अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना, वो वॉल जैसा काम करेगा, दीवार जैसा। ये यहाँ पे हमारे पास ये एरिया में बीच में आ गया तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ये अट्रैक्शन कम हो जाएगा, उसे शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना, उतना ही इसको दिक्कत पड़ेगी, यहाँ पर दिक्कत होती है, इसको दिक्कत होती है, इसका अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, उसे शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट जितनी ज्यादा होगी उतना इसका अट्रैक्शन कम होगा, इतना अट्रैक्शन कम होगा होगा ऐसे इलेक्ट्रॉन से दूर चले जाएंगे। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा उतना इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम तो ये इधर अट्रैक्शन में नहीं रहेगा, इसके नियर में नहीं रहेगा, वो दूर जाएगा, दूर जाएगा तो एटॉमिक रेडियस और हमारे पास आयोनिक रेडियस ज्यादा हो जाएगा। जैसे शील्डिंग इफेक्ट कम है वैसे इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, नियर में आएगा तो हमारा आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा। ओके रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को, मेजरमेंट को हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। यानी कोई भी हमारे पास नोबल गैस है या फिर नेचुरल गैस जो किसी के को इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, जैसे कि हम सोडियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आर्गन, ये कोई भी इसके अपर साइड कोई भी चार्ज है, प्लस माइनस नहीं है ना, उसको हम नेचुरल एलिमेंट्स बोलते हैं। नेचुरल यानी कि वो इसको इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, किसी के पास लिया नहीं, नेचुरल गैस वाला है, नेचुरल एलिमेंट्स वाला है। ऐसे एलिमेंट्स में से अगर मैं वैसे एलिमेंट्स की सब की बात कर रहा हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसे गैस की मैं बात कर रहा हूं तो उसे मैं एक्स बोल देता हूं, मैं किसी भी एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, गैस को हमने क्या उसमें से मेरे को वन इलेक्ट्रॉन निकालना है, मैं इसमें से वन इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वो प्लस हो जाएगा, वो प्लस और वन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए जो मैंने एनर्जी दी हुई है उस एनर्जी को मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलता हूँ, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा आई एच, ओके, एच से हम सिंबल से फाइंड करते हैं, वो डेल्टा आई एच, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दी गई एनर्जी है, उस वजह से हम उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो इसका यूनिट क्या है, किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। ओके, उसके बाद अगर हमारे पास जो ये आयन मिला X प्लस, उसमें से फिर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो उसमें से X प्लस था, उसमें से अभी भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो ये 2 प्लस, और यहाँ पे से दूसरा भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तब जो एनर्जी दी गई है उससे हम सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, डेल्टा आई एच 2। ओके, तो इसका यूनिट किलो जूल इनटू मोल इनवर्स। अब ये हमारे पास ये जो एलिमेंट्स का आयन मिला है, उस आयन में से फिर से हमें थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, अभी भी एक, तो x3 प्लस e माइनस
यानी कि थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी हुई है उसे हम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ ऐसे आयनाइजेशन एंथैल्पी आती रहती है। ओके समझ में आया। अब देखो कोई भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम जो एनर्जी देते हैं वो इजीली रिमूव नहीं होता। हाँ हमारे पास दो ऑर्बिट्स है एस पी, तो पहला इलेक्ट्रॉन किसमें से रिमूव होगा, एस में से। ओके वो हमारी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगी, लास्ट वाली ऑर्बिट्स उन दोनों में से किसमें से इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होगा, एस में से। एस और पी है तो एस में से रिमूव होगा, अगर हमारे पास एस और डी है तो एस में से रिमूव होगा, ओके पी और डी है तो पी में से। ओके समझ में आया। तो हमें याद रखना है तो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें से सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसका यूनिट है किलो जूल इनटू मोल इनवर्स। अब देखो किसी भी एलिमेंट में अपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, ओके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। चलो मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की, सोडियम की बात करता हूँ तो इसका इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन लिखते हैं सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो, p में 6 और ये 2p6 3s1। अब यहां पे देखो डीएसटर ये दो तीन चार पांच छ सात आठ नाइन टेन ये इलेवन ऐसे क्लियर करके हमारा राहुल और कौली वाला लो है। ओके अगर इसमें से फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो वो हमारे पास लास्ट वाले सेल में से निकल जाएगा, यानी कि हमें इसे Na प्लस यानी कि रिएक्शन में क्या आएगा Na गिव्स टू इसमें से वन इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया तो Na प्लस प्लस E माइनस, तो वो वन इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला होगा, वो वन इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा और उसे हम जो एनर्जी दी गई उसे हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब ये वन इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर हमें इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है Na प्लस उसमें से Na2 प्लस। अब देखो यहाँ पे जो ये ऑर्बिट है उसमें फुल्ली इलेक्ट्रॉन फिलअप है, यानी बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, फुल्ली इलेक्ट्रॉन फिल है बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत सारी, क्योंकि ये बहुत स्टेबल हो गया है ना, ये स्टेबल नहीं था, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन था और एस की कंपेयर में पी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एस की कंपेयर में पी में से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है। उसका मतलब फर्स्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने ली है यहाँ पे डेल्टा आई एच वन इंटू डेल्टा आई एच टू, तो ये एनर्जी हमें यानी कि स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है वो इजी निकल गया है, लेकिन उसके बाद उसमें से हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कितनी ज्यादा एनर्जी की। ओके तो अगर सेकंड वाला उसके बाद थर्ड वाला फिर से उसमें से रिमूव करना है, यहाँ पे देखिए Na2 प्लस में से फिर से Na प्लस 3 है 3 प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस डेल्टा आई एच 3, तो इसमें हमें सेकंड से भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी तब हमें मिलेगी। तो वो समझ में आ गया जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होगी, उसके बाद जो सेकंड वाली होगी उससे ज्यादा, उसके बाद थर्ड वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी है उससे भी ज्यादा, यानी कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने जाएंगे वैसे वैसे हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी ज्यादा है और सेकंड वाली एंथैल्पी से थर्ड वाली एंथैल्पी है बहुत ज्यादा है। अब हमारे पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, यानी कि लेफ्ट
लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, यानी हमारा मतलब क्या है, सोडियम, सोडियम के बाद क्या आता है हमारे पास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, पोटेशियम, हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। ओके, और जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर, टॉप से बॉटम तक आते हैं, इसे हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होगी। ओके, डिक्रीज होगी। तो याद रखिए हमारे पास लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। क्यों होती है वो भी मैं बताता हूं। ओके, याद रखिए सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से सिलिकॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी कि उसकी जो आउटरमोस्ट सेल होगी लास्ट वाली। ओके, आउटर सेल में, यानी कि लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर ज्यादा होते जाएंगे, सोडियम की इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन हम लिखने जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ओके, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3s1, ये फोर्थ, ये सोडियम भी। सोडियम के बाद कौन आता है, मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम के लिए कंजुगेशन में क्या आएगा, वन ज्यादा आएगा ना लास्ट में, बाकी का सब सेम टू सेम, 3s2। ओके, उसके बाद एल्यूमिनियम Al, 1s2, 2s2, ये 3s2, 2p6, 3s2, फिर 3p। ओके, अब देखो उसके बाद सिलिकॉन, ये रहा सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉन को फिल अप कर दीजिए, 1 2 3 4, जैसे मैं बताता हूं वैसे ही कर लियो, 1 2 3 4 5 6, 1 मैग्नीशियम के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एल्यूमिनियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 13 है ना? ओके? उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ओके? अब देखो, इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हमने क्या बोला? जैसे जैसे हम हमारे पास जो ग्रुप है वो पीरियड, पीरियड में इस तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होती है। कैसे? आप देखो इसको, ये किसमें है, एस में, एस में और सिंगल है, उसको हमें हटाने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल है, उसको हटाने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो कम है। आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा होंगे और ये डबल हो गए, तो ये दोनों डबल हो गया, इसमें से हमें रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर भी बढ़ गए हैं ना, तो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, यानी कि एनर्जी उससे भी ज्यादा देनी पड़ेगी, इंक्रीज हो गई। अब देखो यहाँ पे, ये तो हमारे पास एस था, उसके बाद ये पी में आया, एस के कंपेयर में पी में से हमें रिमूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ओके, तो इसमें से हमें एनर्जी को, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। थर्ड वाला, इसमें वन इलेक्ट्रॉन था ना, इसमें टू इलेक्ट्रॉन से यहाँ और यहाँ, इसका मतलब प्रोटॉन के नंबर भी बढ़ गए ना, प्रोटॉन के नंबर बढ़ गए, तो जैसे जैसे वो इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इस
इसका मतलब वो उसे ऐसे पकड़ के रखेगा स्ट्रांगली, उसे जाने देगा नहीं। इसको हमें रिमूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके डियर स्टूडेंट, ये समझ में आ गया? इससे हमें कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर पीरियोडिक टेबल में जो भी हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए या फिर उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, या फिर ऐसे हुआ जा सकता है इसमें से आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, इसमें से आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम होगी। अगर ये स्टूडेंट ये समझ में आ जाता है, उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमारे पास ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी से थोड़ी सी डिफरेंस वाली है, यानी कि उससे उल्टी है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते थे, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। इसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से हमें एनायन बनता था, उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने से हमें जो कैटायन बनता है। ओके, तो यानी कि ये इस कैटायन और एनायन के बारे में हमें डिस्कस करनी है। जो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा वो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, या फिर कौन सा चार्ज आता था, पॉजिटिव चार्ज आता था। ओके, इसके बारे में हमें ज्यादा डिस्कस करना है। ओके, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप ये लर्न कीजिए। थैंक यू।